आज आप सभी को मैं एक कॉपी दिखा रहा हूँ। इसमें आप इस कॉपी को देख करके आप ये तय कर सकते हैं कि आपको कैसी हैंडराइटिंग लिखनी चाहिए और कैसे मार्क्स दिए जाते हैं। ये मैंने कॉपी चेक की, मेरे विद्यार्थी की एक कॉपी है, कहाँ गलत हो रहा है और और लिखने का तरीका स्पेशली आप देखिए कितने अच्छे ढंग से ये लिखा भी अच्छी है। नंबर मार्क्स थोड़े से इम्प्रूव करने की ज़रूरत है इसमें, जैसे ये क्वेश्चन 3 नंबर के हैं, 3 नंबर मिले हैं, ये क्वेश्चन जो है जो सही हैं उस पर पूरे मार्क्स दिए गए हैं, कुछ मार्क्स कटे भी हैं, जैसे ये 7 नंबर के क्वेश्चन में 5 नंबर मिला है, ये 10 नंबर का क्वेश्चन है, आप जानते हैं ये कंप्लेंट लेटर है, लेटर टू एडिटर, तो इसमें जो है कुछ कमियां रही हैं, हालांकि स्पष्ट लिखा गया है। देखिए इसमें 10 में 8 नंबर मिला है, जैसे योर्स योर्स लिखना था, योर लिखा विद्यार्थी ने, तो ये मार्क्स जो है इस पे अप्लाई किए गए हैं। ये देखिए शैली बड़ी अच्छी है, लेकिन लिखने का तरीका अच्छा है, ये सभी विद्यार्थियों को इसका अनुसरण करना चाहिए। स्पष्ट है, जो भी है वो स्पष्ट लिखा गया है। देखिए ये आर्टिकल पर भी 8 नंबर अवार्ड किया गया है, नमामि गंगे प्लांटिंग ट्रीज वगैरह, तो विद्यार्थी ने बड़े ही अच्छे ढंग से लिखने का प्रयास किया है। नो रूल फॉलो करना चाहिए। देखिए 100 में 88 मार्क्स इस विद्यार्थी को मिले हैं, तो मुझे लगता है कि आपसे इसको अपनी बोर्ड कॉपी को अच्छे ढंग से देखिए सजा के, बाकायदे सजा के, स्पष्ट जो क्वेश्चन मार्क्स हैं, नंबर्स हैं, उनको कैसे लिखना है वो इंडिकेशन स्पष्ट होना चाहिए, ताकि एग्जामिनर को बिल्कुल समस्या न हो कि आपने किस क्वेश्चन का आंसर लिखा है। जैसे बहुत सारे बच्चे ये इंडिकेशन लिखते समय किस क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं वो ही नहीं लिखते। अभी मैं उस ऐसी कॉपियों को आपके सामने रखूंगा और दिखाऊंगा कि कहाँ गलतियाँ होती हैं और बच्चे कौन सी गलतियाँ करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये आप सभी के लिए ज़्यादा सुविधाजनक होगा कि आप देखिए कि कैसे कॉपी अट्रैक्टिव हो सकती है और कैसे हम लिखें। थोड़ी बहुत सुधार की ज़रूरत है, इसको भी मैं दिखाऊंगा अभी आपको कि किस तरह से। फिलहाल एक चीज़ तो आप देख सकते हैं कि प्रत्येक क्वेश्चन का इंडिकेशन और लिखने का तरीका, शब्दों की दूरी, शब्दों में अंतराल और हर एक शब्द स्पष्ट हैंड राइटिंग में लिखी गई है, यानी इसमें आपको दिखेगा कि कॉपी बिल्कुल अट्रैक्टिव है। मार्क्स थोड़ी मोड़ी कमियों के कारण कुछ मार्क्स कटे हैं, जिसको इम्प्रूव कर दिया जाएगा निश्चित रूप से। इस विद्यार्थी को 90+ मार्क्स इंग्लिश में अवार्ड किए जाएंगे, ऐसा मेरा मानना है और ऐसा ही होना चाहिए। आप सभी भी इसका ज़रूर अनुसरण करिए और निश्चित रूप से आप लोगों को भी बेहतर मार्क्स मिलेंगे। आप सभी इसी तरह मेरे साथ वीडियो पर बने रहिए, मैं आप सभी को नए नए टिप्स और नई नई चीज़ों को दिखाता रहूँ।